हमें देखना है कि तूफान कहां से आएगा, हमें देखना है कि तूफान कहां से आएगा, जहां से भी आएगा वहां वो चला जाएगा। जय हिंद का नारा बुलंद होगा, जो होगा वो देखा जाएगा। आज जो आपने जो अंबेडकर सुना है, जो पढ़ रहे हैं, एक बार सभी दलित नेताओं को और ऑप्शन को चेयर पर बिठाओ, हम बताएंगे बाबा साहब अंबेडकर ने देश के लिए क्या किया। एक प्रतिमा में बाबा साहब अंबेडकर को बंद मत करो। मेरी देखो, मैंने शिंदे जी के फिल्म पर जीवन पर फिल्म बनाई खेजे पाकरारे, उस फिल्म में शिंदे साहब को प्रधानमंत्री तक पहुंचाया। आदमी मंत्री बन सकता है, चीफ मिनिस्टर बन सकता है, लेकिन एक्टर नहीं बन सकता। आज जयपुर में 300 करोड़ का बिजनेस किया, वो जय सूर्य के जेब में चला गया। मैं पूछता हूँ इस कास्ट को, मैं पूछता हूँ जयपुर वालों को, तुम्हारे उत्थान के लिए जय सूर्य ने कितना पैसा दिया? ये रॉक्सन करोड़पति रॉक्सन एक उड़ान के बाबा साहब अंबेडकर पर, मेरे बाप पर मैंने पैसा उठा दिया, आज रोड पर आ गए हैं। आज कल रोड पर थे लोग, आज बाबा साहब का नाम लेकर, मेरे बाप का नाम लेकर आज करोड़पति बने। ये फासला है, ये डिस्टेंस है रॉक्सन और उन लोगों में। रॉक्सन को समझने की कोशिश करो, उसके दर्द को समझने की कोशिश करो। एक उड़ान फिल्म क्यों नहीं रिलीज हो गई? इस देश में दो बार भारत बंद किया बहुजन संगठनों, क्यों? पद्मावती को पद्मावत करके फिल्म रिलीज हो सकती है। मेरे बाप ने संविधान को लिखा है, इस देश में एक संविधान है, दो संविधान है। पद्मावती को पद्मावत करके फिल्म को रिलीज किया जा सकता है, तो एक उड़ान को फिल्म रिलीज क्यों नहीं गई? ये पूछना मेरा मौलिक अधिकार है, मेरे बाप ने वो अधिकार मुझे दिया है। आरक्षण कोई भेंट नहीं है, न्याय दया है, इस संवैधानिक अधिकार है। मैं रोशन आपसे अपील कर रहा हूँ, दिल से अपील कर रहा हूँ। मेरी बात बहुत सीरियसली सुनेगा, मैं 3 दिन से इलाहाबाद में हूं। जब हम चले जाते हैं तो हजारों लोगों की भीड़ लगती हो और प्रेस वालों और मेरे भाइयों की, लेकिन किसी को पता ही नहीं। जब मैं स्टेज पर आ गया तो मेरे भाइयों की पहचान है कि रक्षण भाई आप आए। यह चेयर की लड़ाई है, कुर्सी की लड़ाई है। आदमी मंत्री बन सकता है, चीफ मिनिस्टर बन सकता है, लेकिन एक्टर नहीं बन सकता। एक्टर बनने के लिए उसके पास दुर्गा चाहिए, दुर्गा। और वो हम एक्टर हैं जिस देश की संस्कृति को हम पूरे विश्व में फैला रहे हैं। मैं वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर हूं जो हिंदुस्तान का कल्चर मैंने भारत रशिया और पूरे विदेश में मैंने फैलाया। जाओ गूगल पर, जाओ जाओ मेरे रोशन वाट कर एवरी पर, यूट्यूब पर और करो रोशन। जब तक इस देश में इंटरनल कास्टिज्म रहेगा, तब तक अब एक्सटर्नल मनोवार का भागी बताने का। मुझे जस्टिस नहीं मिला, इसका वजह यह है इस देश में इंटरनल कास्टिज्म। प्लीज प्लीज भैया, प्लीज प्लीज बोलने दीजिए भैया, बोलने दीजिए। बाबा साहब अंबेडकर इंटरनल कास्टिज्म के शिकार हुए हैं। जिस महामानव ने इस देश का संविधान बनाया लिखा, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर कभी जीत कर पार्लियामेंट में नहीं गए, बिकॉज इस देश का सबसे बड़ा इंटरनल कास्टिज्म। 52 का चुनाव कास्ट होकर बाबा साहब अंबेडकर को हराए चर्मकार समाज, 54 का चुनाव महा कम्युनिटी के भाव से गोरकर ने हरवा। मैं वो लेकर आपको दिखाता हूं, मैं ये प्रूफ मेरे पास है। मैंने शुरू से कहा है कि मैं ही रियल बाबा साहब अंबेडकर बता सकता हूं। आज जो आपने जो अंबेडकर सुना है, जो पढ़ रहे हैं, एक बार सभी दलित नेताओं को और ऑप्शन को चेयर पर बिठाओ, हम
aynı Baba Saheb Ambedkar'ın söz bile yapmıyor. Bir kutuva ne Baba Saheb Ambedkar'ı bandist mat karo. Meri, deko, meri, Şimdi Şimdi film var. Jivan par film banaye, Kheze Pagrare. Us film mein Shinde Saheb ko Pradhanmantri tak pahunchaya. मैंने इस देश के ऐसे स्त्रियों की सुनाई मारी तो यानी कि 100 करोड़ लोगों के अधिकार पर मैंने फिल्म बनाई एक उड़ान हो सब उसके बने लेकिन हम खर्च नहीं उस टाइम पर बहना क्यों लास्टली मेरे बाजू में बैठे हैं इसलिए उनको मुझे इन्फॉर्म किया है मैं लास्टली पॉइंट पर आपको मैं सब बोल रहा हूं मैंने मेरे इस फिल्म में रोटेशन का मुद्दा उठाया रोटेशन क्या है ये संविधान मैंने पढ़ा 2 साल और 3 साल मुझे फिल्म बनाते बनाते रिलीज कर यानी कि सेंसर को 2016 में मैंने फिल्म सेंसर को सबमिट की ये संविधान पढ़ते वक्त मुझे रोटेशन सब्जेक्ट मिला हमारे देश में 7 पॉलिटिकल सेक्टर है महानुभव इतने 7 अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन ग्राम पंचायत पंचायत समिति जिला परिषद नगर पालिका महानगर पालिका विधानसभा एंड लोकसभा 73 अमेंडमेंट 74 अमेंडमेंट ये 2 अमेंडमेंट से ग्राम पंचायत पंचायत समिति जिला परिषद नगर पालिका और महानगर पालिका में रोटेशन आ गया और उस रोटेशन की वजह से हमारा SC ST OBC गांव में प्रधान बन रहा जिला पंचायत में चेयरमैन नगर पालिका में नगराध्यक्ष और महानगर पालिका में महापौर बन गया ये सिर्फ रोटेशन की देन अगर ये रोटेशन नहीं होता तो राव का प्रधान कभी दलित बन सकता था सकता था नहीं तो राव संघ का कहना है कि 5 सेक्टर में रोटेशन है तो देश का प्रधानमंत्री भी रोटेशन से बने देश का हर स्टेट में भी मुख्यमंत्री बने सत्ता का साथ पूरा हो सकता है मेरी जमात इस देश का हुक्मरान बननी चाहिए ये आज की जो आरक्षण प्रणाली है विशिष्ट स्पेसिफिक फैमिली की मक्केदारी है अगर ये आरक्षण एक ही परिवार में घूम रहा है 40-40 साल एक सीट पर बैठे हुए लोग संविधान का मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे मालूम है बहुत सारे लोग हैं एक बार दोबारा हम आ जाएंगे और बात करेंगे एक लास्ट का डायलॉग हमें देखना है तो तूफान कहां से आएगा हमें देखना है तो तूफान कहां से आएगा जहां से भी आएगा वहां वो चला जाएगा जय हिंद का नारा बुलंद होगा जो होगा वो देखा जाएगा जय हिंद